हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बगड़ी नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चोरी के वाहन में 15 लाख का अवैध डोडा पोस्ट परिवहन करने के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोगी के आदेश अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर लाल के निर्देशानुसार सोजत पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार के सुपरविजन में वृत्त सोजत पुलिस द्वारा ड्रग्स माफिया के विरुद्ध की जा रही धरपकड़ कार्यवाही में रमेश पुत्र हनुमान राम जाति विशोई उम्र 24 साल निवासी खंगार बापू की ठाणी पुलिस थाना डांगियावास जिला जोधपुर व प्रेम पुत्र ओमा राम जाति विशोई उम्र 22 वर्ष निवासी नदी वाली ठाणी फिटवासनी पुलिस थाना कूड़ी भक्तासनी जिला जोधपुर को चोरी के वाहन पिकअप RJ 22 GA 9437 में कुल 188 किलो अवैध डोडा पोस्ट व तस्करी में एक एस्कॉर्टिंग करती चोरी की मोटरसाइकिल RJ 9QS 7337 के साथ धर दबोचा। डोडा पोस्ट की कीमत करीब 15 लाख बताई जा रही है। सोजत सर्कल में एक सप्ताह में ये तीसरी कार्रवाई से तस्करों के हौसले पस्त होंगे। आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। थाना अधिकारी बगड़ी नगर सुरजाराम में जाप्ता पुलिस नाकाबंदी के दौरान पिकअप RJ 22 GA 9437 को बड़ा गुड़ा से नाकाबंदी तोड़कर भाग जाने की इत्तला पर थानाधिकारी सुरजाराम में जाप्ता द्वारा सरहद बगड़ी नगर पर नाकाबंदी की गई तो एक मोटरसाइकिल तेज गति से एस्कॉर्टिंग करते आई। मोटरसाइकिल चालक पुलिस को देख मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गया। पीछे आए पिकअप को नाकाबंदी कर पिकअप चालक व उसके साथी को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस की टीम में थानाधिकारी सुरजाराम, हेड कांस्टेबल मलाराम, राधेश्याम कांस्टेबल ओमाराम, श्रवण कुमार, धनाराम, शिवराज, इंद्राज, श्योदान, नंदलाल, अनिल कुमार, राजकुमार सहित पुलिस कर्मी टीम में शामिल थे। जागरूक टीवी के लिए सोजत रोड से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।